और अगली खबर भी बिहार से, जहां आरजेडी के सांसद तस्लीमुद्दीन को बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछना महंगा पड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से उन्हें नोटिस भेजा गया है और इस पर जवाब मांगा गया है। उसको कहते हैं और आज भी आपके जरिए से कह रहे हैं कि उसका साथ छोड़े, अगर बिहार को बचाना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ दिए इसी बयान को लेकर आरजेडी ने अररिया से अपने सांसद तस्लीमुद्दीन को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। तस्लीमुद्दीन ने बिहार में खराब कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी, और तो और लालू से कहा था कि वो नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेकर अपनी सरकार बनाने की पहल करें। बिहार में सामान्य स्थिति कायम करना है, उसका साथ छोड़े। जो न्यूज जाएगा तो हम उससे गुजारिश कर रहे हैं कि जल्दी जान छोड़ाइए इससे, नहीं तो वो तो बदनाम हो ही रहा है, आप भी बदनाम हो जाइएगा। तस्लीमुद्दीन के अलावा आरजेडी के उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी बिहार में खराब कानून व्यवस्था के लिए नीतीश कुमार की खिंचाई की, लेकिन उन पर लालू अभी खामोश हैं। समस्या जब उठेगी तो सरकारी ना जिम्मेदार होगी, दूसरा आदमी कौन है? सरकारें ना जिम्मेदार, कोई भी सरकारें से ना सवाल लोग उठाए हैं। अदना आदमी का तो नहीं मतलब है, आम आदमी तो पीड़ित है, दुखी है, तो आम आदमी अपेक्षा करता है कि सरकार हमको सहूलियत करे, कोई आफत हो जाए तो सरकार हमारी मदद करे। बार बार गाली बकना, घर पर बयान देना, ये क्या दर्शाता है? महागठबंधन के गांठ को कमजोर कर रहे थे। मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव से मांग करता हूँ कि ऐसे नेताओं के ऊपर लगाम लगाए, इन्हें तो कार्रवाई करें। क्या कार्रवाई? पार्टी से निकालें, हद हो गया, ऐसे थोड़े चलता है महागठबंधन। कानून व्यवस्था के नाम पर महागठबंधन में हो रही ये खींचतान नीतीश सरकार के लिए ठीक नहीं है। बड़ी बात यह है कि लालू की पार्टी में अब अपनी सरकार बनाने की मांग उठ गई, जो संख्या बल में जेडीयू से ज्यादा ताकतवर है। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में लालू के 80 विधायक हैं, जबकि नीतीश के 71, कांग्रेस के 27 सदस्य भी इन्हीं के साथ हैं। बिहार सरकार चलाने के लिए लालू और नीतीश दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन सीवान हत्याकांड और गया रोडरेज कांड के बाद नीतीश सबके निशाने पर है। बीजेपी तो बाकायदा इस तरह के स्टिकर चिपकाकर नीतीश के कथित सुशासन पर सवाल उठा रही है।